और चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। महाराष्ट्र को आज 56,000 करोड़ की सौगात देंगे प्रधानमंत्री मोदी। वाशिम में जगदम्बा माता मंदिर का दर्शन किया है, पूजन अर्चन वहां पर किया है, पूजा अर्चना की तस्वीर भी सामने आई है। संत सेवालाल और रामराव को दी है श्रद्धांजलि। विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी आज महाराष्ट्र को 56,000 करोड़ की योजनाओं से जुड़ी सौगात देंगे। वाशिम पहुंचे पीएम ने आज सबसे पहले पोहरा देवी स्थित जगदम्बा माता मंदिर के दर्शन किए और उसके बाद संत सेवालाल महाराज और संत रामराव महाराज की समाधि पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान पीएम मोदी नगाड़ा बजाते हुए नजर आए। पीएम मोदी आज शाम 4 बजे ठाणे में 32,800 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम आज मुंबई में अंडरग्राउंड मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे। शाम 6 बजे मुंबई मेट्रो लाइन थर्ड फेज का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी बीकेसी और सांताक्रूज स्टेशन के बीच खुद मेट्रो का सफर भी करेंगे। मेट्रो उद्घाटन के इस कार्यक्रम में पीएम के साथ राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार सहित कई अन्य अधिकारी शामिल होंगे। पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त वितरित करेंगे, जिससे लगभग 9.4 करोड़ लाभार्थियों तक 20,000 करोड़ रुपए पहुंचेंगे।